वो अपना बना ले, पर उसको अपना न माना किसी ने, न समझा किसी ने, न जाना किसी ने, साथ छोड़ दिया, हाथ छोड़ दिया, साथ छोड़ के हाथ छोड़ उसे कर दिया अकेला, सोतेला सोतेला सोतेला। वैसे ये कौन है जो तुम्हारी जिंदगी में शायरी लिया है? कभी उसे घर लेकर आ। हाँ हाँ, घर वालों से भी मिलाओ कर समझे, फोन करके भी तो बोल सकते हैं। गौरी जी, अगर मेरे पास उनका फोन नंबर होता तो क्या मैं अब तक आपके सजेशन का इंतजार कर रही होती? फोन नंबर नहीं है, हमने उनका नंबर पहले ही ले लिया था। What? नहीं, ऐसा ना हो कि हम आपका मुखड़ा देखकर प्रपोजल एक्सेप्ट कर लें और बाद में कोई अंडरवर्ल्ड का डॉन हमारे सामने आकर खड़ा हो जाए चक्कर चला के। वैसे आप चाहे तो मेरे बॉस के बारे में पूरी जानकारी हासिल कर सकते हैं, आपको उनका पूरा प्रोफाइल मिल जाएगा। वी नो दैट अवंतिका, बट व्हाट्स रॉन्ग इन अ मीटिंग, अ फेस टू फेस टॉक। तैयार तो हो जाओ फिर चले जाना। भाभी मैंने कपड़े रख लिए ना, मैं वहीं जाके तैयार होंगी। भाभी पर वो ज्वेलरी? अरे ज्वेलरी मैंने तुम्हें दिखाए तो थे, और ये भी कहा था तुम्हें जो भी पसंद आए ले लेना। तो कौन सी पसंद आई तुम्हें? भाभी मैंने आपसे कहा था ना, मुझे सब पसंद है। हाँ तो तुम्हें कौन सी पहननी है ये तो बताओ। भाभी आप एक काम कीजिए, आप ना मुझे सारी ज्वेलरी दे दीजिए। सारी ज्वेलरी? वो क्या है ना भाभी, शादी में मेरे दूसरे फ्रेंड्स भी आएंगे ना, मैं उनसे पूछकर सिलेक्ट कर लूंगी। हाँ पर कामिनी वो। भाभी रात में तो मैं घर वापस आ ही जाऊंगी ना, एंड आई प्रॉमिस मैं आपकी ज्वेलरी को अपनी जान से ज्यादा संभाल कर रखूंगी। पर फिर भी अगर आपको लगता है। नहीं नहीं कामिनी, मैंने ऐसा तो नहीं कहा। तुम रुको मैं अभी लेकर आती हूँ। ये लो और संभाल कर जाना। आप देखना भाभी ये ज्वेलरी पहनूंगी ना तो सब मुझे ही देखने लगेंगे। थैंक यू सो मच भाभी, बाय बाय। यही तो निकाल कर रखी थी मैंने। मेरी शर्ट तो मैंने यही निकाल कर रखी थी, और कौन ले गया मेरी शर्ट? गौरी 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 उसी बात है गौरी, tell you मेरी शर्ट तुम क्यों ले गई थी? हाँ माय गॉड, मेरी शर्ट पर तुमने जींस की तरह आयरन तो नहीं कर दिया? हाँ तुम मेरी शर्ट क्यों ले गई? गॉड, क्या मैं तुमसे पूछ सकता हूं कि तुम मेरी शर्ट क्यों ले गई? पूछो क्यों ले गई थी गौरी? गोल गोल घुमाने शर्ट को, गोल ऊपर ले गई, गाना गाने शर्ट ले गई थी। थोड़ी देर के लिए ले गई थी हाँ, लेकिन क्यों? देखो गौरी अब सुबह सुबह मेरे साथ दमशराज मत खेलो। अरे जो भी कहना अपने मुंह से कहो ना। किसकी पूछ?
अरे शर्ट में पूछ पूछ तो नहीं लगा दी? भगवान कैसी अजीब अजीब इशारे कर रही है ये। देखो गौरी तुम्हें जो कुछ कहना सीधे सीधे कहो ना। सुपारी ली है मुझे पागल करने की? अरे तो अपने मुंह से कहो ना, I'm going bad with you. गौरी, मॉम, अब हम आपको कैसे बताएं कि हम आपके शर्ट का बटन लगाने ले गए थे? बटन जबान से ना इशारों इशारों में ही की जाती है, बस समझने वाला होना चाहिए कसम से। कल्याणी, आय हाय जीजी, मैं तो ये कह रही हूँ कि समझदार को इशारा काफी है। यही तो मैं पूछ रहा हूँ मामी कि अब उसे इशारे करने की क्या जरूरत है, उसकी वो जो कैंची जैसी जबान चलती है उसे क्या? देखिए किस तरह मुस्कुरा रही है ये। इधर क्या कह रहा है ये? बात क्यों नहीं कर रही हो इससे? कसम खाई है? देखिए मुझे लगता है कि ये थोड़ी खिसिया गई है, ये कि पागल हो गई। शी इज गॉन मैड। ना ना लल्ला, जे पागल ना हुई है, जे कह रही है कि इसका आज मौन व्रत है कसम से। मौन व्रत किस लिए? भगवान से मन्नत मांगी थी किस लिए बेटा? विशेष विशेष के लॉकअप से बाहर आने के लिए मन्नत मांगी थी? सो स्वीट ऑफ यू बेटा। सुना तुमने, तुम्हारे लिए मन्नत मांगी थी और तुम इसे पागल कह रहे हो? Really? थैंक यू वेरी मच जी। लेकिन एक बात बताऊं मॉम, आज तक मैं सोचता था कि ये सिर्फ अपनी बातों से ही इरिटेट कर सकती है, लेकिन आज पता चला है कि ये बिना बोले उससे भी ज्यादा इरिटेट कर सकती है। I'm going mad. पागल है। उस प्रपोजल का क्या हुआ? दैट वाज गुड प्रपोजल। प्रपोजल तो गुड था राजीव बाबू, मगर प्रपोजल बनाने वाला छुपा रुस्तम निकला। सामने आने को तैयार ही नहीं है। अब ऐसे आदमी से भला कोई क्या डील करे जो अपने चेहरे पे नकाब डालकर घूम रहा हो चक्कर चला के। व्हाट सर, युबांक राय कोई गुमनाम आदमी नहीं है। एवरीवन नोज अबाउट हिम, और हमने उसके बारे में जो भी इंफॉर्मेशन हासिल की है सभी पॉजिटिव है। आई नो दैट। दरअसल बात यह नहीं है कि हमें इस प्रपोजल पर या इस आदमी की नीयत पर कोई शक है।
सवाल यह है कि इस आदमी का इस डील पर कितना यकीन है, और ये बात उसे मिलने के बाद ही तय हो पाएगी। और वो मिलने को राजी नहीं है चक्कर चला के। यस, इस वक्त। अच्छा जी, गाने दो। Good afternoon, sir. Good afternoon. Come, take a seat. Sir, I hope you don't mind. मैं बिना किसी appointment के चली आई। No problem. तू कभी भी मिलने आ सकती है। अगर मैं busy नहीं हूँ, तो मुझे मिलने में कोई इतराज़ नहीं। That's very nice of you, sir. Sir, जितना आप मेरे boss से मिलने के लिए बेताब हैं, उतना ही वो भी आपसे मिलने के लिए बेचैन हैं। Oh, really? जी हाँ। उन्होंने कहा है आप जब भी उनसे मिलना चाहें वो मिलने के लिए तैयार है। ओह दैट्स टू गुड। अब आप बताइए हमारा मिलना कब बेहतर होगा, जब वो भी बिजी नहीं हो और आराम से बातें कर सके। एनी टाइम यू कैन कम टुमारो। टुमारो सर, टुमारो इवनिंग विल बी बेटर। ठीक है सर, शाम को 5 बजे। आपको एड्रेस तो पता होगा। यस मैम, आई नो यू आर एड्रेस। बहुत अच्छी बात है, तो कल हम आपका इंतजार कर रहे हैं। ओके राजीव बाबू, इनके बॉस भी तो नाइस होने चाहिए चक्कर चला के। और अगर तुम भी उनके पास जाना चाहते हो तो उनको हमारी हैसियत और नियत दोनों पर शक होगा। ईगो बड़ी होने से हैसियत बड़ी नहीं हो जाती है। वैसे भी वो उम्र में मुझसे बड़े हैं, मुझे उनसे मिलने जाना चाहिए। लेकिन युगल, उनसे कहो कि मैं उनसे मिलने आऊंगा। दिस इज नॉट अ करेक्ट स्ट्रेटजी। डू व्हाट आई सेड। यस सर। गाड़ी लगता है प्रकाश ने बाहर पार्क की होगी। पार्किंग की भी इतनी प्रॉब्लम है ना आजकल। हाँ प्रकाश, गाड़ी लेकर आ जा, हम लोग आ गए नीचे। हाँ हाँ जल्दी आ जाओ, हम लोग नीचे आकर। सॉरी, डोंट टच द थिंग्स, ओके इडियट। अरे उस पे क्यों चिल्ला रही हूँ, वो तो तुम्हारी मदद कर रही है। मदद कर रही थी रियली? मैं ये सब मदद करना जानती हूँ। चोर कहीं के, लगता है तुम्हारे घर वालों ने तुम्हें तमीज नहीं सिखाई। ओ यार, और लगता है कि आपके घर वालों ने आपको रास्ते में चलना नहीं सिखाया। मैडम, ये रोड है रोड, कोई पब्लिक पार्क नहीं, जो आप आंखें बंद कर टहल रही हो। एक्सक्यूज मी, आई ऑलरेडी सेड सॉरी फॉर दैट। सॉरी फॉर व्हाट? अगर मैं आपको खींच के एक तमाचा मारूं और उसके बाद सॉरी कहूं तो चलेगा? मैडम, हम चुप है, कब से कुछ भी बोली जा रही है। आप क्या हमारी माजी को झापड़ मारेंगे? हम आपको खींच के ऐसा झापड़ लगाएंगे कि आपकी पत्ती से बाहर आ जाएगी। Just shut up, okay? I'm not talking to you, idiot. आपके टॉकिंग वॉकिंग के भाड़ में पहले हमारी माजी से माफी मांगे। Just shut up. वरना आप क्या किसी बाहर निकाल देंगे। Really? बस करो, बस करो तुम। ऐसे लोगों के मुंह नहीं लगते बेटा। Oh my God, stupid idiots. और मैडम, देखा माजी कैसा
अंग्रेजी में गाली बक्कर चली गई हमें। अगर रात नहीं होते ना ऐसी देसी गालियां देते ना इनको जिंदगी भर याद रखते। गौरी बस भी करो, अरे उसके चक्कर में तुमने अपना मौन व्रत भी तोड़ दिया। वो तो अच्छा है माजी हमने सिर्फ अपना मौन व्रत तोड़ा, अगर वो और बोलते ना तब सक्रत में दांत तोड़ देते। गाँव का घी दौड़ रहे हमारे रगों में। और व्रत तोड़ने के चक्कर में अगर भगवान नाराज हो जाए तो? माँ भी तो भगवान समान ही होती है ना माजी, अगर हम आपका अपमान होते देखते रहते तो क्या भगवान जी नाराज नहीं होते? पगली विक्रम, दिस इज नॉट फेयर यार, नॉट डन। अगर वो तुझसे मिलना चाहता है तो उसे खुद तेरे पास आना चाहिए, तुझे वहां बुलाने का क्या मतलब है? इट्स ऑल राइट महेश, वैसे भी वो मुझसे नहीं मैं उसे मिलना चाहता था, और अब वो मिलने के लिए राजी हो गया है तो आई मस्ट गो एंड मीट हिम। अरे व्हाट गो एंड मीट हिम, मैंने आज तक नहीं देखा कि कुआं प्यासे के पास जाए। अगर तू ऐसा करता है ना तो उसकी हैसियत कुएं जैसी होगी और तेरी प्यासे जैसी। महेश, इट डज नॉट मैटर टू मी एट ऑल। अगर उसे मेरी जरूरत है तो मुझे भी उसकी जरूरत है, और वैसे भी मैं नहीं समझता कि किसी के पास चलकर जाने से अपनी इज्जत कम हो जाती है। अरे यार, तेरे समझने से कुछ होता है? दुनिया तो यही समझेगी ना, और अगर वो ये सोचता है कि तुझे वहां बुलाकर वो तुझे छोटा साबित करेगा तब तो दोस्त बहुत छोटी सोच का आदमी है ये। एंड आई थिंक यू शुड, हेलो मिस्टर आर्य, अवंतिका हियर। हाँ बोलो अवंतिका। सर प्रोग्राम में थोड़ा बदलाव है, मेरे बॉस का मानना है कि अगर हम आपको मीटिंग में बुलाते हैं तो आप जैसे ग्रेट बिजनेसमैन की तौहीन होगी, इसलिए वो खुद आपसे आपके ऑफिस में मिलने आना चाहते हैं, अगर आपको कोई प्रॉब्लम ना हो तो। वेल, मुझे ना आपके ऑफिस में आने में कोई प्रॉब्लम है ना उनके यहाँ आने में। वेल, मेरी नजर में आदमी को इतनी छोटी बातों से तोलना बेवकूफी है। This is your greatness, Mr. Arya. तो हम आपसे मिलने के लिए कब आ सकते हैं? Anytime, जब आपको सूट करे। Okay, तो हमारी मीटिंग का वक्त वही रहेगा, बस जगह बदल जाएगी। हम आपको आपके ऑफिस में आकर मिलते हैं। Okay, मैं आपका इंतजार करूँ। Okay, सर, bye bye, सर। तो वो आ रहा है। Now what would you say to that? डर गया होगा, सोच रहा होगा ईगो के चक्कर में कहीं इतनी बड़ी पार्टी हाथ से ना निकल जाए। महेश, अरे जस्ट जोकिंग यार। वैसे वो जो कोई भी है बहुत समझदार आदमी है। जानते हो महेश, आज के जमाने में किसी की सेल्फ रिस्पेक्ट का ध्यान रखना आउट ऑफ फैशन हो गया है। दूसरों की सेल्फ रिस्पेक्ट का ध्यान वही लोग रख सकते हैं जिनमें खुद में आत्मविश्वास होता है। आई एम लाइकिंग दिस मैन। के जज्बात ले